सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं अजय, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल गेम नॉलेज में। सो गाइस, जैसे कि जानते हैं OB26 अपडेट के बाद आपके सेंसिटिविटी में गाइस आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक नया ऑप्शन आया फ्री लुक। तो गाइस, इस फ्री लुक का काम क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, उसी के साथ साथ गाइस इसका फ्री लुक का कैसे यूज़ करना है और इस फ्री लुक को आपको अगर हटाना हो तो कैसे क्या करोगे गाइस, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। सो गाइस, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो थोड़ा भी विदाउट स्किप किए वीडियो के एंड तक देखना। सो गाइस, बिना टाइम पास के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक लेडीज एंड जेंटलमैन, सो गाइस फ्री लुक का कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिएगा इस पर हम बाद में बात करेंगे कि इस पर 100 रखना चाहिए, 100 रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए। तो गाइस, इस पर हम पहले बाद में बात करेंगे। यहाँ पे गाइस आप लोगों को बता दूँ, कस्टम एचयूडी में जाओगे तो गाइस आप लोगों का फ्री लुक ऐसा दिखाई दे रहा है। देख सकते गाइस, जिस पर मैंने अभी क्लिक किया गोल मार्क जिस पर बना रहा हूँ, गाइस आप लोगों का फ्री लुक ऐसा दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसको आपको फायर बटन से थोड़ा दूर ही रखना है, जितना हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि गाइस इसमें आपका फ्री लुक का कुछ अलग ही यूज़ होने वाला है। जब अगर आप इसको नज़दीक रखोगे फायर बटन के तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और गाइस, आप अपने हिसाब से जो आपको साइज़ देना होगा आप अपने साइज़ दे देना और ट्रांसपेरेंसी आपको जो करना होगा वो कर देना। बट गाइस, इसको फायर लुक से थोड़ा दूर रखना और गन स्विच से भी थोड़ा दूर रखना, मतलब ऐसे जगह पे रखना कि गाइस जहाँ पे आपका जल्दी हाथ जाए ना, जब आपको यूज़ करना हो, इम्पोर्टेंट टाइम हो, तब भी आप उसके ऊपर हाथ क्लिक करिए। ये नहीं कि आपका फायर बटन, स्कोप ये लोग के नियर हो, जिसके कारण गलती से अगर आप पे उस पर क्लिक हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस, आप बात करेंगे कि इसका फ्री लुक असली में फ़ायदा क्या है, फ्री लुक इन फ्री फायर में आया क्यों है। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा जब आप फ्री फायर गेम प्ले करते हो नॉर्मली, तो आपके पीछे कभी अगर कोई प्लेयर आ रहा हो या आपको बार बार पीछे देखना पड़ता था, तो गाइस आपको पूरा स्क्रीन रोटेट करना पड़ता था, जैसे भाग रहे सीधे फिर ऐसा स्क्रीन रोटेट करके फिर आप देखते थे। उसी के साथ साथ आपका पीछा जो अगर कोई प्लेयर कर रहा हो, इनमें आपका पीछा कर रहा था, उसको भी पता चल जा रहा था कि ये बार बार पीछे देख रहा है, मतलब इसको मालूम पड़ चुका कि मैं आ रहा हूँ। उसी के साथ साथ गाइस, जब आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे तो आपकी थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती थी। जैसे आप नॉर्मली रश कर रहे हो तो आपको थोड़ा रुकना पड़ता था, फिर पीछे घूमना पड़ता था, आपको लेफ्ट देखना हो, राइट देखना हो, तो गाइस आपको बार बार अपनी स्क्रीन रोटेट करनी पड़ती थी। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था जो आपकी भागते भागते भी पीछे देख सके। तो गाइस, इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, एक तो आपका टाइम स्लो हो जा रहा था, साथ ही साथ आपकी स्पीड थी वो भी रुक जाती थी थोड़ा, क्योंकि आपको सीधे भागते भागते अगर पीछे देखना है तो आपको स्क्रीन पीछे करनी पड़ती थी और आपको आगे भागना पड़ता था, इससे बहुत ही प्रॉब्लम होता। गाइस, स्पेशली अगर आप बाइक भी चलाओगे तो आप लोगों को बाइक में तो पीछे की अगर मालूम नहीं पड़ेगा कि पीछे क्या चल रहा है, बाइक हो या कार हो। बट गाइस, फ्री लुक का आप अगर बाइक वीक में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर कोई पीछे से बंदा आ रहा है तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइस, आप इसका कैसे यूज़ करना है उस पर हम बात करेंगे। तो गाइस, इसका मेन यूज़ है कि आप जैसे भागते थे तो आपको बार बार पीछे घूमना पड़ता था कि कोई इनमें आ रहा तो देखने के लिए। तो गाइस, अगर आप इसका यूज़ करते होगे तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं, मतलब आपको नॉर्मली जंप करके फिर पीछे रोटेट नहीं करना होगा स्क्रीन, आप सीधे सीधे भागते भागते यहाँ पीछे देख सकते हो। देख सकते गाइस, मैं यहाँ से पीछे देख रहा हूँ, ऊपर वाला जो गाइस उसको आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी आँख है, मतलब गाइस जहाँ पे आप रोटेट करोगे उस साइड आपको दिखाई देगा। अगर पीछे पूरा एंड कर दोगे तो आपको पीछे का पूरा दिखाई देगा, अगर लेफ्ट थोड़ा करोगे तो आपको लेफ्ट साइड का दिखाई देगा, राइट साइड का, जैसा आपको करना रहेगा गाइस वैसा आप लोगों को दिखाई देने वाला है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी स्पीड स्लो नहीं होगी और आप नॉर्मली पीछे भाग सीधा भागते भागते भी पीछे आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ गाइस, ये इसमें आप लोगों का बहुत डाउट होगा कि इससे स्पीड हमारी बढ़ जा रही है, तो गाइस आपकी इससे स्पीड नहीं बढ़ी, आपकी स्पीड जो नॉर्मली वही है, बट आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड इसमें थोड़ा बढ़ गई जब फ्री लुक का यूज़ करें, बट ऐसा नहीं है गाइस, नॉर्मली आपका स्पीड है, बट आप जो भागते भागते पीछे देखते थे तो गाइस उसमें आपका स्पीड पहले से स्लो हो जाता था, बट इसके बाद आपका स्पीड स्लो नहीं होगा, आप नॉर्मली जैसे भाग रहे थे वैसे ही आपको दिखाई देगा। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको आपको शॉर्ट रेंज में यूज़ नहीं करना है, मतलब किसी घर के अंदर हो या आप कोई छोटे एरिया में हो जैसे लास्ट सेफ जोन में, उस समय आपको यूज़ नहीं करना है गाइस। आपको मेन इसको लॉन्ग रेंज एरिया हो या किसी ओपन एरिया में, आप जैसे ओपन एरिया में भाग रहे आजू बाजू कोई घर भी नहीं है, क्योंकि गाइस उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसा नॉर्मली यूज़ करोगे तो गाइस इससे सिर भी चकरा जाता है, मतलब इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं फ्री लुक करने टाइम, आपका अगर ध्यान पीछे से चला जाएगा तो आगे से जो बंदा आ रहा है उसको भी आपको मार के चला जाएगा। तो इसके लिए गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर हो सके तो इसको कम यूज़ करना, मतलब जब आप ओपन एरिया में तभी यूज़ करना, ऐसे शॉर्ट रेंज एरिया में हो या पीक के घर भी में आजू बाजू एरिया में तब इसका यूज़ मत करना, नहीं तो आपको आगे से हेडशॉट पड़ जाएगा। तो गाइस, आप बात करते हैं अगर आपको फ्री लुक नहीं लेना हो तो, अगर आपको बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे फ्री लुक का यूज़ नहीं करना तो आप हम इसको कैसे हटाए, तो गाइस आपको नॉर्मली कंट्रोल्स में आ जाना है और नीचे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फ्री लुक लिखा है, वहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से अगर आपको ऑन ऑफ करना होगा तो आप वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और गाइस, इसमें बात करें कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी आपको रखनी चाहिए, किसके लिए इससे बेस्ट होगी, जो सेंसिटिविटी आप लोगों के लिए फायदा कर सकती है,
सो गैस बात करते हैं, अगर आपका हायर डिवाइस रहेगा तब तो गैस मतलब 4GB के ऊपर अगर आपका मोबाइल है तो गैस आप नॉर्मली सेंसिटिविटी में जाके उसको मतलब 50 रख सकते हो गैस 50, क्योंकि अगर गैस ज़्यादा भी रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप 100 करके रखते हो तो हल्का सा भी टच करोगे तो आपका पूरा मतलब फेस पूरा पीछे देखने लगेगा, जिससे गैस आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उतना आपको पीछे भी देखना, बार बार उतना भी पीछे आप देखते नहीं, नॉर्मली कम देखते हो। तो उसके लिए गैस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपको नॉर्मली रखना है 50 रखना है। अगर आपके पास 4GB मोबाइल हो, 4GB के ऊपर हो, तो आप लोगों को 50 रखना है, मतलब 50-60 आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि सबके मोबाइल का गैस प्रोसेसर अलग होता है, किसका स्पीड ज़्यादा होता है, किसी का मतलब स्टोरेज कम होने के कारण और स्पीड ज़्यादा हो जाता है मोबाइल का। तो आप अपने हिसाब से रखना, बट 50 के ऊपर, 50-60 के बीच में रखना जो 4G मोबाइल। और गैस अगर आप 2G मोबाइल हो, 1G मोबाइल हो, तो गैस आप लोगों को इसको 70-80 के बीच में रखना है या 70-80 के बीच में, क्योंकि गैस आप लोगों का पहले मोबाइल स्लो चल रहा है, उसके बाद गैस अगर इसमें स्पीड थोड़ा बढ़ानी है फटाक से देखने के लिए तो आपको 70-80 तो रखना ही पड़ेगा। तो गैस आप लोग 70-80 रखोगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, उसके बीच में रखोगे। 100 मत रखना, 100 से बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने थोड़ा भी ऐसा उस पर क्लर किया आपका पीछे पूरा फेस चला जाएगा, आपका राइट पूरा देखने का लेफ्ट से, और गैस आपको इतना तो पीछे बार बार मुड़ के देखना भी नहीं रहता, कभी काल देखना होता, तो उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप नॉर्मली 4GB मोबाइल वाले ऊपर हो तो 50-60 के बीच, और नहीं तो अगर आप 1G 2G 3 हो तो आप लोग 70-80 के बीच में रखो। तो आई होप गैस आप लोग समझ गएंगे कि फ्री लुक का कैसे यूज़ क्या करना है। तो गैस तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और अपने दोस्तों का जो उसे शेयर कर देना, जो उनको भी पता चल जाए कि फ्री लुक का कैसे यूज़ करना है, क्या इसका फ़ायदा है, इसको कैसे अगर आपको फ्री लुक यूज़ नहीं करना हो तो कैसे इसको हटाना है, उसी के साथ साथ आपको फ्री लुक मेन कहाँ पे आपको फायदा करने आ रहा। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पे पहले आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।